दोस्तों, अगर बिना शादी के कोई महिला माँ बन जाती है तो समाज तो उसके पिता का नाम उस महिला से ही पूछेगा ना। लेकिन बॉलीवुड में बिना शादी के माँ बनना थोड़ा आसान भी है और वहाँ पर आपसे बहुत ज्यादा सवाल पूछने वाले लोग भी नहीं होते। बल्कि अगर आपसे बोला जाए कि इससे तो उल्टा इन एक्ट्रेस का नाम और भी ज्यादा फेमस हो जाता है तो यह गलत नहीं होगा। कभी लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली श्रीदेवी भी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। तब यह भारतीय समाज के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। तो आनंद फानंद में बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी ने पहले से ही शादीशुदा बोनी कपूर के साथ शादी रचा ली थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मशहूर अभिनेत्री कैटरीना कैफ भी शादी से पहले ही 3 बार मां बन चुकी हैं? दरअसल कैटरीना कैफ का अफेयर सलमान खान और रणवीर कपूर जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ रहा है। कहा जाता है कि सलमान खान ने शरीर की भूख को शांत करने के लिए कई बार कैटरीना कैफ के साथ संबंध बनाए थे और कैटरीना कैफ भी बॉलीवुड में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक हमेशा जाने के लिए तैयार रहती थी। हालांकि कुछ दिन बाद सलमान खान से मनमुटाव खत्म होने के बाद अभिनेता रणवीर कपूर ने भी कैटरीना कैफ की मजबूरी का जमकर फायदा उठाया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कैटरीना को 3 से 4 बार अबॉर्शन करवाते हुए पकड़ा गया और बाद में साफ हो गया कि कैटरीना गर्भवती थी। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि कैटरीना के बच्चे का बाप कौन था? सलमान खान, रणवीर कपूर या कोई और? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।